ए चमचो, मैंनु अपने मालिक का नाम बताओ चेती। बोल। ए। होशियारी करने की कोशिश मत कर, पहली ना बहुत दिमाग खराब है मेरा। सीधे सीधे बता दे, जल्दी बता, अपने मालिक का नाम बता। बोल। वो रुस्तम ने भेजा है, पैसे दिए थे, अब हमें माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए हमें। ओह, रुस्तम जी, मतलब हमारी प्यारी रज्जो उर्फ राजकुमारी जी। अच्छा, खा बाय गॉड की कसम, ये रज्जो जी का काम है, खा। चल अब निकल, निकल निकल, जल्दी भागो। हाँ तो माय डियर रज्जो जी, अब मैनू बताओगी कि क्यों करवा रही थी मेरी किडनैपिंग शिडनैपिंग? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? हमको लगा कि तुम सुनैना का जगह लेने आई हो, कैसे कि बाबू साहेब और कुमुद जी उनको पाल पोस के बड़ा किए हैं, रमोला जी और परवेश जी उनका बचपन देखा है, प्यार किया है उनको। सच बोले तो हमारे लिए वो बहू नहीं बिटिया थी। तो तुम हमको बताओ, हम कैसे भी पहचानेंगे उनको, बताओ। कैसे कि हम परिवार की भलाई के लिए बहरूपिया को निकालना चाहते थे अपने घर से, पर तुम तो इस घर का हिस्सा निकली, सुनैना की बहन निकली। ई घर पे तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना सुनैना का था, और तुम यहाँ रह सकती हो बिटिया। थैंक यू रज्जो जी। ओए, सुन लिया तूने? सुन लिया ना, मैं सिमरन जरूर हूँ, पर जलंधर वाली नहीं, मुंगेर वाली। बाबू साहेब के परिवार वाली। तो अब मैं अपने परिवार नू छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली, समझा? इसलिए अब निकल यहां से, चल। ओ यार सिमरन, सुन तो ले मेरी गल, मैं सच में तेनू प्यार करदा यार। ओ, मैं तेनू वैसे भी कभी ना मिलने वाली थी, तो अपना ये वन साइडेड लव डाल अपनी जेब में और चलता बन यहां से, निकल, बैक टू जलंधर, गेट आउट। अब तो मैं आपको हक से डैडी जी बोल सकती हूँ। नमन, मेरी गल सुन, मैं तेन मम्मी सर, क्या गई आप? अरे तुम पगला गई हो का? अभी हम 60 की हुई भी नहीं है, सती आएंगे कैसे?
अरे हम कोनो कम सिंह कली से कम है का? मैं जो करना बंद करो यार। देखी ना, आज फिर से इस घर में एक नया राज खुला है और न जाने कितने राज दबा के बैठी है बड़ी मम्मी। अब हमारा शादी कैसे होगा नमन सिंह से? यार पंकजा, तुम इतना नेगेटिव काहे हो? थोड़ा पॉजिटिव सोचोगी? अरे बैल भूति, वो लड़की घर का अंदर आ गई है, लेकिन नमन सिंह उसको अपना दिल से निकाल दिए है ना। अब एक जैसन शक्ल होने से क्या होता है, उससे शादी मना लेंगे। अरे नमन सिंह का शादी तो हमारा पंकु से ही होगा, अब खुश हो जा। अंदर मत आना। ये सुनैना का कमरा है और किस मुंह से तुम इस कमरे के अंदर आ रही हो? हाँ, इतना बड़ा झूठ बोला कि तुम मेरी सुनैना। How dare you? How dare you? इस कमरे की हर एक चीज, हर एक याद सिर्फ और सिर्फ सुनैना की है। हर एक चीज पर उसका हक है, यहां तक कि मुझ पे भी। नमन सॉरी, दिल से सॉरी बोलती हूँ तुझे, उठक बटक भी लगा रही हूँ। देख सॉरी, प्लीज प्लीज नमन, नमन मैनू माफ कर दे। पर तू खुद सोच, क्या करती मैं, क्या ऑप्शन था मेरे पास? हाँ माना मैंने तुझसे झूठ बोला, पर तू बता कभी तेरा गलत फायदा उठाया मैंने? बोल ना, चुप क्यों है नमन? नमन, इन्हीं हाथों से सुरैना को जप्पियां पाता था ना, तो इन्हीं हाथों से मैंने चपेट भी मारते। पर प्लीज गुस्सा मत कर। नमन मैनू ना अपने रब दी सौ, ना मैनू सुनैना कोई हक चाहिए, ना मैं उसकी जगह लेना चाहती हूँ। बस तेन दिल से सॉरी बोल रही हूँ। अरे जी, तो बहुत ही बढ़िया बात है। वो काहे से कि सुनैना के जाने के बाद ना उसकी हर चीज की उम्मीद पार पहले से ही घर में मौजूद है। अरे पंकू, वहाँ काहे ले खड़ी हो, अंदर आओ। रबुल आंटी जी, आप क्या कर रही हैं सब? अरे सिमरन बिटिया, ओ मम्मी, सिमरन, ओए ओ का है ना, हम जो बिहारी लोग होता है ना, हम कोई पंजाबी नाम लेने में ना उसको पकड़ने में थोड़ा समय लगता है। अच्छा ये सब छोड़ो, हम ये कह रहे थे कि अब तक जो भी भूल चुक हुआ ना उसको माफ करते हैं। फिलहाल ना तुम्हारे लिए ये बात जानना बहुत ही जरूरी है कि हमने बिटिया पंकजा है ना, इसका और नमन सिंह का शादी ना पहले से तय हो चुका है। बस हम उस दिन इनका आरती उतारनी बढ़ते कि तुम एंट्री ले ली। हमने बिटिया जो है ना पंकजा, वो और नमन सिंह एक दूसरे बहुत ही प्यार करते हैं। मुला आंटी, आप ये सब क्या कह रही हैं? नमन, अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें हमसे प्यार नहीं है, वरना अभी छत से कूदकर जान दे देंगे हम अपनी। ए पंकजा, ऐसी बातें खाली बोल रही हो तुम? अरे बिटिया, हम सबको पता है कि तुम नमन सिंह से कितना ढेर सारा प्यार करती हो। अरे ये सब जो समय है ना, ये तुम दोनों का एक होने का समय है, इली इमरने बने वाला मनहूस बातें मत निकालो अपना मुंह से। ऐसा ही बोल रही है रंबोला जी। हाँ, सिमरन के आने से तुमरा और पंकजा का रिश्ता जिस मोड़ पे रुक गया था बहुआ, उसी मोड़ से इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है। अब हम ना वो पंडित जी से ना शादी का डेट निकलवाते हैं। अरे वो बाद में करना, पहले सिमरन को इस कमरे को छोड़ के जाना होगा। कैसे की
ये कमरा जो है ना, अब इसकी बहन के होने वाले पति का कमरा होने जा रहा है। ओके 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 ओके, चिल गाइस, मैंने कमरे से बाहर निकालना था तो सीधा बोल देते, मतलब ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। आई गॉड, चल सिमरन पूरी बिस्तर बांध लिया। इतना बड़ा धोखा करना, इतना बड़ा राज छुपाई हमसे। वो लड़की वहां अनाथालय में पल रही थी और आप हमको बताना जरूरी नहीं समझे। सुनैना के बाद हमारे दिल में आपके लिए जौन थोड़ा बहुत प्रेम, सम्मान और अपनापन बचा था, आज उस सबका आपने खुदा ही गला घोट दिया। आज के बाद हमारे बीच में जौन रिश्ता था ना पति पत्नी का, वो सब खत्म। ओ डैडी जी, उस नमन को देखो, सुनैना के जाने के बाद भी अपना रिश्ता निभा रहा है, और एक आप हो जो सबके जिंदा होते हुए भी सब कुछ खत्म करना चाहते हो। ऐसे खत्म हो जाता है क्या पति पत्नी का रिश्ता? नहीं ना, इसलिए आप एक बात ध्यान से सुन लो, जितनी तकलीफ मेरी माँ को सुनैना के नाम से दी हो ना, उतना ही प्यार इस सिमरन के नाम से देना पड़ेगा। हो गया, मेरी माँ फिर से रोने लग गई। सीना लोड लेना बंद करो, देख लेना डैडी जी की हेकरी निकाल के आपसे सॉरी ना बुलवा दिया ना उन्हें, तो मेरा नाम भी सिमरन सिंह है, तुसी देखना वो आपको एक दिन सॉरी जरूर बोलेंगे। ये सूट किस का ही ला रही है यहाँ पर, कहाँ जा रही है? मैं कहाँ जाऊंगी, वो नमन ने मुझसे उसकी सुनैना के कमरे में रहने का हक छीन लिया। हम समझ सकते हैं बेटा, एक काम कर, उस सूटकेस को यहाँ ले आ, अब हमारे साथ यहाँ हमारे कमरे में रहना, माँ बेटी को साथ में रहने से तो कोई नहीं रोक सकता ना। इतना बुरा तो मैंने अपना शहर जलंधर छोड़ के भी नहीं लगा जितना वो दो दिन पहले मिला कमरा छोड़ के लग रहा है। क्यों बाबा जी, ये हमारा शादी का गहना है, गिरवी रखने से बचा लिए थे हम, पंकजा को शगुन में देंगे। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है माँ, चलते हैं यहां से चल के पटना में रहेंगे, मैं मेहनत करूंगा और सब ठीक कर दूंगा। नहीं बउआ, अभी गए ना तो बउआ बाबू साहब हमको सेल्फिश समझेंगे और भरोसा करके हमको कंपनी में पार्टनर बनाया है, जिम्मेदारी दिया है, और फिर तुम भी मेहनत कर रहे हो ना कंपनी खड़ा करने के लिए। देखना बहू, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हुँ?
शादी हो ना हो हमको कोनो मतलब नहीं है बउआ, बस वो मौका मिल जाए जब हम सब हथिया के इस घर से सबको निकाल के बाहर फेंकेंगे। सिमरन क्या कर रही हो तुम? ये सिमरन क्या कर रही हो तुम? ये सिमरन पंकज, हम थक गए आपके मुंह से दूसरों का नाम सुन सुन कर। किसी और का नाम लिया ना तो हम बहुत गुस्सा हो जाएंगे। क्या कर रही हो तुम्हें? देखो ना कितना रोमांटिक मौसम, कहीं ले चलो ना मुझे। अरे नहीं जाना कहीं। सॉरी पंकज, वो एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। आखिर इसे काबू में करें कैसे? ये आखिरी मौका है पंकजा, कुछ सोचो। बाय गॉड, दो दिन में ऐसी सन्नाटे की आदत ही छूट गई। हाँ मैं तेरी सुनैना नहीं हूं, मैं सिमरन सिंह हूं, इस घर की दूसरी बेटी है। प्यार ना साला चीज ही ऐसी होती है। कोई बात नहीं सिमरन, उन्होंने कहा ना वो तो ठीक करना ही होगा। उठा ले। हेलो। अब मैनू ना नींद नहीं आ रही है तो मैं सोच रही थी कि तू और मैं केड़ी मार के आए। मैनू ना रात में घूमने में बड़ा मजा आता है। बैकवर्ड देखो, लास्ट टाइम मैं तुम्हारे साथ इसलिए गया था क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया था। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी सुनैना हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ ठीक है, चिल कर, भड़क क्यों रहा है? अब मैंने तो तेनू सॉरी बोल दिया था, अब तेनु नहीं मानना तो कोई गल नहीं। अब क्या ही करूं, अकेली चली जाती हूँ। हाँ नहीं तो अब सिमरन ने कुछ सोच लिया है तो वो करेगी तो जरूर। ठीक है चल बाय बाय। तुम अकेली जाओगी? पागल हो क्या? क्यों, मुंगेर में फन लविंग लड़कियों को पागल कहते हैं? तो ठीक है मैं पागल ही सही, मैं तो चली बाय बाय। देखो तुम्हें ना खामुख खा के पंगे करने की आदत है। रुको आ रहा हूं मैं। आ रहे हो? चंगा फिर आ जाओ। बाय बाय।
तू ना सच में किसी हीरो से कम नहीं है। हीरोइन कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना, तू उसका साथ नहीं छोड़ता है ना। अब मुंह सड़ा के घूमेगा क्या, साथ में जा रहे हैं ना बाहर घूमने, खुश हो जा, थोड़ा हंस दे। सब क्या है इस मुंडे में कि मन करता है बस दिखती जावा दिखती जावा। क्या क्या घूर रही हो? क्या क्या घूर रही हूँ, आंखें है ना कहीं तो टिकेंगी। नमन गाड़ी रोक रोक गाड़ी रोक 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 ना। क्या हुआ सिमरन, तू पागल हो गई, कहीं भी बीच में रोक देती हो। अरे अब कहाँ जा रही हो? लड़की इतना अजीब है। अरे रब्बा देखना कितनी अजीब सी रात है, खूबसूरत भी है और डरावनी भी। चारों ओर चांदनी है फिर भी अंधेरा छाया हुआ है। मैंने ना ये मिस्ट्री सी लाइट बहुत पसंद है। माय गॉड सिमरन देखो, आज तो मैंने तुम्हारी बात मान ली, लेकिन अगर आज के बाद तुमने कुछ भी ऐसा किया तो मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला हूँ, समझी तुम? चुकर तूने आवाज सुनी? कौन सी आवाज? ये जानते हुए भी कि सुनैना सिमरन है, हमारे हिले जो उसको अपने साथ बाइक पे घुमाए। लेकिन हम लेके चल रहे हैं तुमको। अरे हम सोचते हैं वो दिखना कोनो काला जादू की है नमन सिंह पे। अरे तुमने तो मिला एक लड़की, अब दूसरा लड़की पे भी लटके हुए पड़े हैं। बाबा पापा बाबा पापा सिमरन ये क्या हुआ? एका नमन ये बेहोश का है, क्या हुआ? अब क्या कर दिया ही? अरे राजकुमारी जी उदय जी के साथ पटना गई हैं। वो कहाँ है? कहाँ हुआ सिमरन? उन्हें खड़े होके बात करते थे। अचानक से सिमरन सिमरन कहाँ हुआ सिमरन? उठना कहाँ हो गया सिमरन? एक काम करते नमन, एक अस्पताल लेकर चलते, चलो चलो अस्पताल लेकर चलते, उठाओ चलो चलो चलो। हाँ उठ। नहीं 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 अस्पताल नहीं जाऊंगी मैं, मैंने इंजेक्शन से सच में बड़ा डर लगता है। सिमरन बेटा तू ठीक तो नाम तो डर ही गए। हाँ जी मम्मी जी, तो मैं प्रैंक कर रही थी वो देखने के लिए कि अगर मैंने सच में कुछ हो जाता है तो किस किस को फर्क पड़ेगा। ये कैसन बेहुदा मजाक है, तुमने माँ का हालत देखा होगा, कुछ हो जाता तो। और अगर मैंने कुछ हो जाता तो डैडी जी आपको फर्क पड़ता? फर्क तो आपको भी पड़ता, अभी इतनी डांट लगा दी आपने मैनू, अब इतना तो मैंने पता नहीं कि माँ पापा का प्यार कैसा होता है, पर इतना जरूर पता है कि ना उनका प्यार उनके थप्पड़ में छुपा हुआ होता है। आपने इतना डांट दिया है तो साफ साफ नजर आ रहा है दर्द तो आपको भी हुआ है। एक बार खुद से भी बोल दीजिए ना, आपको सच में फर्क पड़ता ना मेरी तकलीफ से? ये पागल लड़की है, इसको पागल खाने में भेजो। भैया हम तो कहते हैं 10 दीजिए, तो हमारा मतलब है बोल दीजिए ना, बचपन से जानते हैं आपको। ये सिमरन बिटिया को बेहोश देखा तो हमको तकलीफ हुआ, तो आपको नहीं हुआ होगा? ऐसे सच कहे ना, तो जब से पता चला है कि सिमरन बिटिया हमारे ही परिवार का खून है,
अब से हमारा सब नफरत गुस्सा सब पिघल के ढेर हो चुका है। एक बात कही परवेज, तुम्हारे जो भैया है ना वो अपना प्यार भुला सकते हैं पर नफरत नहीं। इसलिए तो ऐलान कर दिए ना कि हमारे बीच जो पति पत्नी का रिश्ता है वो खत्म हो गया है। भैया हम लक्ष्मण की तरह आपकी सभी बातों को पत्थर की लकीर मानते आए हैं, पर ये बात आपने भाभी को कह के ना अच्छा नहीं किया। कुछ भी हो कुमुद भाभी आपकी पत्नी है और सिमरन आपकी बिटिया, दोनों को उनका उचित स्थान मिलना ही चाहिए। तो भाई तो आप कहलाएंगे ना मुंगेर के बाबू साहेब, अपना लीजिए अपनी बिटिया को। हम जानते हैं कि आप कभी अन्याय नहीं होने देंगे। मम्मी पापा को क्या हो गया? अरे हमको तो लगता है कि इनमें मेरा कोई काला जादू कर दिया है। खून के रिश्ते को भैया दिमाग से मत सोचिए, अपना लीजिए। थैंक यू जी थैंक यू। क्यों है अगर मैंने आज अपने सगे डैडी जी नहीं मिले तो मैं छोटे पापा जी जरूर मिल जाए। तुम्हारे डैडी जी है ना वो बाहर से बहुत कड़क है पर वैसे बहुत नरम स्वभाव के है। आई नो सॉरी। कहे वो आपको गोलू मोलू चाचा कहकर चढ़ाए थे? नहीं वो हमको तुम चढ़ाओ हमको अच्छा लगता है। बोलो गोलू मोलू चाचा और वो हमारा भी सॉरी। आप क्यों? वो चाकू लेके भागे था ना तुमको मारने। नमन मैंने एक बार फिर से माफ कर दे प्लीज। चुप। हद होती है ऐसे झूठ और मजाक की। पहले तुमने झूठ बोल के सुनैना बन के मेरे दिल और जज्बातों के साथ खेला और अब ऐसा घटिया मजाक। माफी एक बार मिलती है बार बार नहीं। नमन बेटा बेटा सिमरन तुमको बहुत पहले ही सच बता देना चाहती थी, वो तो बस सही मौके का इंतजार कर रही थी, हमने ही उसे रोक लिया था। इस बार उसका गलत मत समझो। सॉरी। माफ कर दो उसे बेटा माफ कर दो। मैंने तुमसे कहा था ना इस कमरे में तुम्हारी एंट्री बंद है, तो फिर क्यों आई? अच्छा सच्ची में नहीं चाहता मैं तेरे कमरे में हूँ, फिर तेरी ये आंखें तेरे बोल का साथ क्यों नहीं दे रही भला? कहाँ जाएगा? जहाँ भी जाएगा ना मैं तो तेरे पीछे पीछे आवांगी। बंद करो अपनी ये नौटंकी। अच्छा तेनू क्या लगता है दुख सिर्फ उदास और रोते हुए चेहरों के दिल विच होंदा है? नहीं कुछ लोगों की ना आदत होती है हंसी विच अपना गम छुपाने की, मैं वही हूँ नौटंकी नहीं। अरे हमको तो लगता है खानदान का खून में ही नौटंकी है। तो फिर देखी हो बाहर तो कैसन ये चाचा और भतीजा मिल के नौटंकी पसा रहे थे। कह रहे हम तो नहीं सब नहीं देखा जाएगा। तो छोड़ो घर और जाओ अपने मायके। ये लो ये बैल को अभी सिंह आया है वो भी बुढ़ापे में आके। अच्छा भाई दिखाते हैं कि नई नई सिंह वाला बूढ़ा बैल काका कर सकता है। पंकजा बाहर जाओ। हमको तो ये नहीं समझ आ रहा है वायलेंट हो रही है रोमांटिक। बाहर जाओ जाओ। दी क्या हुआ रूम के बाहर क्यों खड़ी हो?
झगड़ा बन रहा है। वो पापा मम्मी से झगड़ा करने के लिए हमें रूम से बाहर निकालते। वो मम्मी पापा के बीच की बात, उनके बीच ना हमें नहीं पढ़ना चाहिए। आप क्या क्यों खड़ी हो? अब चलो मेरे साथ, तो क्या हो जाता है? चलो। कहा बोली? नए सिंह, बूढ़ा बैल ना? ये जो बूढ़ा बैल को नए नए सिंह आए है ना, अब हम दिखाता है आपको का करते हैं। तुमको छोड़ेंगे नहीं। सही 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 नहीं टालेंगे। नहीं ठीक है। अरे आप तो हमारे पति परमेश्वर हैं, आपका हर बात हमारे लिए हुक्म है। बताइए हमको क्या करना है? आज के बाद सिमरन और भाभी से नफरत नहीं करोगी। उनको अपमान नहीं, सम्मान और प्यार दोगी। इतना खास सोच रही हो रमोला? चार दिन की जिंदगी है, दो दिन तो बीत गए, बचे दो दिन वो राजी खुशी परिवार वालों के साथ गुजारते हैं ना। मान जाओ, स्वीकार कर लो ये सब कुछ। नहीं मानोगी? नहीं मानोगी तो मैं तुमको मारेंगे। हम तुमको रमोला, मारिए हमको, मारिए हमको। अगर पहले हमको मारे होते तो आज हम सुधर गए होते ना। बहुत ही बुरे इंसान हैं हम, कितना सारा पाप किए हैं हम। ये हुई ना बात, हम उस सिमरन के लिए किसी के दिल में प्यार नहीं जागने देंगे, पापा के दिल में भी नहीं। दी पता है आपको प्रॉब्लम सिमरन दी से नहीं है, इस बात से है कि नमन जी जो उन्हें लाइक करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपको सुनैना दी से प्रॉब्लम नहीं थी, इस बात से थी कि नमन जी जो उनसे प्यार करते हैं, जो आप छीनना चाहती थी। बकवास मत करो। मैं बकवास नहीं करती थी, जो कह रही हूँ ना बिल्कुल सच कह रही हूँ। बस आप उस सच को सुनने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हैं। आप जानती हो ना, नमन जीजू ने सिमरन दी को उनका सारा सच जानने के बाद भी एक्सेप्ट कर ली। तो सच भी पता चल गया, माने भी बोल दिया, अब तो मैं माफ कर दे। देख ये रणवीर कपूर वाले चेहरे पर ना अमरीश पुरी वाली नौटंकी मैनू बिल्कुल भी पसंद नहीं, अच्छा नहीं लगता। तो इसे मान ना मान, एक गल तो है कि मैनू बेहोश देख के डर तो तू भी गया था। ये जानते हुए भी कि मैं सुनैना नहीं सिमरन, तुम मेरी सुनैना नहीं हो, तुम सिमरन हो। देखो तुम शक्ल से, सूरत से, सीरत से, दिल से सुनैना की परछाई हो। जब भी मैं तुम्हें देखता हूं मुझे सुनैना के होने का एहसास होता है। आज जब मैंने तुम्हें बेहोश देखा, मेरे अंदर का वो डर जाग गया, जैसे सुनैना को खोने के वक्त कुछ साल पहले मुझे लगा था। फिर तो प्रॉब्लम है बहुत, क्योंकि मैंने तो एक ना एक दिन जाना ही होगा ना तेनू छोड़ के। अब तेरी वोटी तो हूँ नहीं, कोई और मैनू व्याह ले जाएगा तो क्या कर लेगा तू? हाँ नहीं, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। अच्छा, किस हक से रोकेगा? क्या लगती हूँ मैं तेरी? कोई नहीं लगती वो हमारे नमन की, समझी?
हमारा नमन कोई प्यार व्यार नहीं करता उससे। ठीक है, उनके बीच में प्यार हो ना हो आपको तो फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। मैं जानती हूँ आपको, आपके दिल में नमन जीजू के लिए प्यार नहीं, उन्हें पाने की सिर्फ जिद है। ठीक, आप उनसे प्यार करते हो ना, तो अपनी आंखें बंद करो और दिल की नजर से देखो, तब आपको नमन जीजू दिखाई देना, तब मैं मानूंगी कि वो आपका सच्चा प्यार है। हमें तो बर्गर दिखा। नमन जीजू को पाने की जिद छोड़ो और आओ सो जा। जिद क्यों कर रहा है नमन, जाने देना मैनू, जब मैं तेरी कुछ लगती नहीं हूँ। जिद नहीं है तो और क्या है, तू चढ़, तू तो कहने से रहा। चल मैं ही अपने दिल की बात बता देती हूँ कि मेरे दिल विच तेरे लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार है नमन। तो ठीक है, अब तुम भी सुन लो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है। मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए सिर्फ ऐसे मोमेंट्स में पॉज मत लिया कर भाई, और पता ना क्या है कि मेरे दिल में कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सच्ची I love you, Simran. I love you, Naman. Thank you, Baba Ji. अब चल के ना माता रानी को भी thank you बोल कर रहता है। चल, चल ना। कहाँ हुआ सिमरन, चिक्की कहाँ है? कहाँ हुआ? ये लड़की का नौटंकी खत्म ही नहीं होता। ए लड़की, चीखी कहाँ है? ओ डैडी जी, पहली गलत तो है कि मैंने ना ये बार बार ए लड़की कह के बुलाना बंद कर दो, मैंने नहीं अच्छा लगता। आप ना वो बेटी बोलने की आदत डालो, और दूसरी गल ये कि अब आप ना प्यार के इजहार के लिए तैयार हो जाओ। रेडी? सब रेडी है? ओए नमन, वो जो मैंने ऊपर कमरे में बता रहा था ना, सबके सामने बताना। क्या बात है नमन, कोई बात हो गई का? सब ठीक तो है? हाँ हाँ मम्मी जी, सब ठीक है। वो सिमरन जो आ गई हमारी लाइफ में। हाय हाय मेरे सोनिया, अब तूने ट्रेलर तो दे दिया, पिक्चर कब दिखाएगा? बोलना सबको जो मैंने बोल रहा था, एक बारी बोलना। हाँ हाँ, वो मैंने सिमरन से जो कहा वो एक्चुअली अब सबके सामने कहना चाहता हूँ कि मैं सिमरन से प्यार करता हूँ। इसके अलावा वो अब मैं तुमसे ये एक और बात करनी है। हाँ। अब क्या बात करनी है, अब कौन सा बम फोड़ेगा तू? मैंने ना डर लग रहा है कहीं जो अपनी बात से पलट ना जाए। नहीं पलटूंगा, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ।
और इसलिए आज इस घर के सभी बड़े बुजुर्गों के सामने मैं तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूँ। तेरी मोटी, नमन सिंह दी मोटी, यस 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 फॉर लाइफ। कंग्रेचुलेशन सिमरन, आज हमें एहसास हो गया कि नमन के लिए हमारे मन में प्यार नहीं था, बस उसे पाने की जिद थी। अब हम लाइफ में मूव ऑन कर जाएंगे और हम तुम दोनों के लिए बहुत खुश हैं, दिल से सच्ची। ओए पिंकी, ये की ना तूने बहनों वाली बात, अरे जब भी पा मैनू। हमारी हर गलती की माफी हमें मिल जाएगी, लेकिन सुनैना को धक्का देकर जो पाप हमने किया है उसकी कोई माफी नहीं, उसकी तो बस सजा मिलेगी हमें। सुनैना के साथ जो तूने किया उसका पछतावा तेरी आंखों में दिख रहा है, मुझे यकीन है कि एक दिन तू खुद प्रायश्चित करेगी। ओ मैडम, पर तू, मैं भी तो नमन बिल्कुल ठीक कह रहा था, जब से सिमरन घर पर आई है तब से सब कुछ ठीक हो गया है। भाई साहब, अगर हम जैसी चंट और चुहेल सुधर सकती है तो फिर आप काहे लिए ऐसे शैतान बन के खड़े। नहीं, हमारा मतलब है कि आप गुस्सा छोड़ दीजिए ना, कुमुदी दी और सिमरन बिटिया को माफ कर दीजिए ना, प्लीज। हाँ, और सिंपल वाला सॉरी नहीं चलेगा। हाँ, आपको भी नमन की तरह प्यार का इजहार करना पड़ेगा। आई लव यू बोलो बड़ी मम्मी को, बोलो बोलो। ओह माय गॉड, पहली बार पंकजा दी के मुझे कोई पते की बात निकली है। बड़े पापा, आपको ना बड़ी माँ को आई लव यू बोलना ही पड़ेगा। हाँ जी बोलो। तुम तीनों पगला गए हो, क्या बोल रहे हो? इस सब की कोई जरूरत नहीं। उनका मुस्कुराहट हमारा कमजोरी है, उनको ना बताना हमारा मजबूरी है, उनका है नहीं समझती हमारा खामोशी को, का खामोशी को जुबा देना जरूरी है। वाह भैया, आपका ये आशिक आना वाला रूप तो कभी देखा ही नहीं। हम आज तक हमेशा जताए हैं आपसे, लेकिन कभी बोल नहीं पाए, आज बोल देते हैं। मुश्किलों के बाद आखिर हमारे परिवार में खुशियां आ ही गई। तो खुशियां सुनैना को कभी नसीब नहीं हुई वो सिमरन के से आ गई कि कान्हा जी, इनकी ये मुस्कान, इनका ये प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, उन्हीं में अपनों के बीच जीते रहेंगे। सिमरन इस घर में आए उसके लिए हमारा इस दुनिया से जाना ज़रूरी था, जिस तरह एक नई कहानी के शुरू होने के लिए पुरानी कहानी का अंत ज़रूरी होता है।